नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बातें करेंगे प्रमुख कंपटीशन परीक्षाओं, चाहे वह वनडे एग्जामिनेशन हो या यूपीपीसीएस से संबंधित, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित, ऐसे तमाम सारे विषयों एग्जामिनेशन के क्षेत्रों के संदर्भ में। आज हम लोग का जो प्रमुख टॉपिक है पॉलिटी, और उस टॉपिक में आज हम लोग शुरू करेंगे सरकार से। जैसे हमने अपनी पिछली कक्षाओं में देखा है कि सरकार अपने कार्यों को करने हेतु, क्योंकि भारत में आपको पता है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। अब इस संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था में सरकार अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको पता है सरकार के पास तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्योंकि आप जानते हैं कि तीनों, जैसे विधायिका का कार्य विधि बनाना, कार्यपालिका का कार्य है क्रियान्वयन करना। यहां कार्यपालिका विधायिका के साथ मिलकर ही कार्य करती है संसदीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि कार्यपालिका विधायी अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका है तो न्याय की व्यवस्था है, उसका कार्य विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए विधियों का मूल्यांकन करना। तो इसी प्रकार आज हम लोग बात करते हैं विधायिका के बारे में, ठीक है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ये बात आप जानते हैं, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे इसी लोकसभा के बारे में, क्योंकि विधायिका का ही अंग है, और राज्यसभा के बारे में, इसके लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उनके दायित्व अधिकार, इन सारे विधियों पे आज हम लोग, इन सारे विचारों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में, यानी कि 79 से लेकर के 122 में संसद का गठन, संरचना एवं सदस्यों की शक्तियों के बारे में बताया गया। किस भाग में है? 5 में है। और संसद का जो फॉर्मेशन है, संसद का गठन, वो 79 में है। भारतीय पार्लियामेंट का जो गठन है वो आर्टिकल 79 में है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 79 के तहत जो संसद का गठन किया गया है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के साथ मिलकर किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, परंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई विधेयक बनता है, तो उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, तभी वह विधेयक जो है कानून बन पाता है। इसलिए राष्ट्रपति, चूंकि भारत का प्रथम नागरिक है, इसलिए वह संसद का अभिन्न अंग है। वो किसी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति दोनों सदनों के द्वारा बनाए गए विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, तब वह विधेयक कानून बनता है, इसलिए वह प्रमुख है देश का।
नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। जो स्टेट काउंसिल है, राज्यसभा है, जिसे अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन संबंधित बात किया गया है। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के गठन संबंधित बात किया गया है। आइए हम लोग आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा के बारे में बात करें। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 गठन का प्रावधान करता है राज्यसभा में। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 बताया गया है, जबकि वर्तमान में 245 है। आपको पता है कि 12 सदस्य समाज में कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है राज्यसभा में, ऐसा प्रावधान है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या मैक्सिमम है, जो कितना है, 31 सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। इसके बाद जो है तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि जनसंख्या अधिक है, इसलिए सीटों की संख्या राज्यसभा की अधिक है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। आपको पता है कि राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। ठीक है, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विस्तार से किया गया है। ठीक है, जिसका वर्णन किसमें किया गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विस्तार से किया गया है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ जो योग्यताएं हैं, जो शर्तें हैं, वह क्या है ये भी जान लें। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी मंत्री पद को छोड़कर किसी लाभ के पद पे, मंत्री पद पे रह सकता है लेकिन किसी लाभ के पद पे ऐसा नहीं होना चाहिए। दिवालिया या विकृत मस्तिष्क का ना हो वह व्यक्ति। ठीक है, अच्छा आप ये भी जानते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है, 6 वर्ष के लिए, जबकि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए विघटन होने की संभावना नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में बात करेंगे। देखिए, राज्यसभा के पदाधिकारी में आप देखेंगे राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। आपको पता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं, फिर भी ये राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा इस सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किसी व्यक्ति को उपसभापति, ठीक है, लेकिन ये जो उपसभापति ये सदस्य होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव रखा जा सकता है, ठीक है, पास किया जा सकता है राज्यसभा में। ठीक है, अच्छा इन 2 पदाधिकारियों के अलावा, 2 पदाधिकारी तो होते ही हैं, सभापति और उपसभापति, इन 2 पदाधिकारियों के अलावा राज्यसभा महासचिव भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। यह सभापति का सदन का एवं सदस्यों का संसदीय मामलों के सलाहकार है। कौन? राज्यसभा के महासचिव। ठीक है, यह भी जान लेना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि राज्यसभा की शक्तियों के बारे में एवं कार्य के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा की शक्तियों के बारे में एवं कार्य के बारे में।
देखिए राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य, खास करके हम लोग बात करेंगे विधायी शक्ति, ठीक है। देखिए गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में, वित्तीय विधेयक या धन विधेयक को छोड़ करके, ठीक है, सारे वित्त विधेयक नहीं, वित्त विधेयक टाइप फर्स्ट वालों को छोड़ करके, गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतना ही शक्ति प्राप्त है जितना लोकसभा को उतना राज्यसभा को, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है, क्योंकि ऐसे मामले राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों के भीतर ही विचार कर सकता है और लोकसभा को पुनः भेज सकता है, ठीक है, मात्र 14 दिन, ठीक है। जबकि संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर है, ठीक है, शक्तियां क्या है, बराबर है, ठीक है। देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास एक स्पेशल अधिकार है कि देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास प्रमुख रूप से अनुच्छेद 249 के अंतर्गत अपने उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है, कौन, राज्यसभा, ठीक है। एवं अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में भी, अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में भी सृजन करने का अधिकार राज्यसभा के पास है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट राज्यसभा के बाद लोकसभा के बारे में। ये जो है इसका गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है, इसका जो गठन किया गया है अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसमें जो अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकता है, ठीक है, जिसमें सभी राज्यों के लिए प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकता और एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो उसी समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, ठीक है, यह व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है वह है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात यदि करें कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से विकृत ना हो और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। थोड़ा सा लोकसभा के बारे में और हम बात करते हैं कुछ अन्य चीजें। लोकसभा के बारे में कुछ अन्य चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए लोकसभा की अवधि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह 5 वर्ष है, ठीक है। इसकी गणना नव गठित लोकसभा की प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है, इसका जो गणना किया जाता है प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, परंतु इसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा, लेकिन फिर पुनः सरकार चाहे तो उसे बढ़ा सकता है, ठीक है, इसके लिए संसद का अप्रूवल जरूरी रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ लोकसभा के संदर्भ में कुछ और विशेषताएं हैं जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के दृष्टि से। देखिए यदि कोई सदस्य लोकसभा का 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। यह दोनों सदन के लिए है, यह दोनों सदन के लिए है, ठीक है। यदि कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसे जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा उसके स्थान को। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं लोकसभा के कुछ पदाधिकारी, जैसे राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में बात किया गया, ऐसे लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में बात करते हैं।
लोकसभा की पदाधिकारी। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 से लेकर 93 से लेकर 97 तक लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 93 से लेकर 97 तक लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से इन्हें किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, बल्कि जो लोकसभा मेंबर के रूप में इन्हें जो शपथ दिलाया जाता है वही है। ठीक है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, और ऐसे में क्या होता है लोकसभा उपाध्यक्ष को सारी शक्तियां मिल जाती है लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक जो कार्य है ना, लोकसभा अध्यक्ष का जो प्राथमिक कार्य है वह है बैठकों का संचालन करना तथा कार्रवाई को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। यह मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, मतभेद की अवस्था में जो अध्यक्ष का निर्णय होता है वह अंतिम होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में, ये विधेयक है, किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन बुलाने का भी जो अध्यक्षता करता है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। ठीक है, किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में जब बराबर मत पड़ जाता है टाई की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा, लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर। क्या है प्रोटेम स्पीकर का पद? प्रोटेम स्पीकर के पद का प्रावधान किस लिए किया गया है? देखिए क्या होता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नए लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद नए सदस्य आते हैं तो उन्हें जो शपथ दिलाने का कार्य, चूंकि वो लोकसभा भंग हो जाती है, पुरानी लोकसभा भंग हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटेम स्पीकर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो नए सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, और जब शपथ दिलाने के बाद इनका पद समाप्त हो जाता है, ये प्रोटेम स्पीकर का पद है। ठीक है, इसके बाद ये जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा में और अधिकारी हैं, लोकसभा महासचिव। ठीक है, जो भारतीय सिविल सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं लोकसभा महासचिव। लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी है ये, इनकी नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है, और यह एक प्रशासनिक पद है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, जबकि उपाध्यक्ष को भी संचित निधि से। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंप सकता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंप सकता है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 94 के अनुसार ऐसा बताया गया है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटा सकता है, परंतु ऐसा करने के लिए उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ये बात भी आप जानकारी के लिए रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉपिक लोकसभा से संबंधित है और लोकसभा की शक्तियों के बारे में है। ठीक है,
ये भी एक बार देख लिया जाए जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमने शक्तियों के बारे में थोड़ा सा बताया है। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे इससे संबंधित और क्या टॉपिक है। जय हिंद दोस्तों।